स्वागतम सुस्वागतम। मैं पहुंच चुका हूं इगतपुरी और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है मोती। और मेरे पीछे यहाँ पे चल रहा है बॉनफायर और कुछ लोग ताश के पत्ते मजे कर रहे हैं। अभी वक्त हो रहा है 11:30। हालांकि हम लोगों ने छत के ऊपर ही टेंट लगाया है और आप अंदर से देख सकते हो मेरा टेंट कैसा है। ये रहा मेरा बैग और उन्होंने कुछ ओढ़ने के लिए दिया है ये। हालांकि तकिया तो नहीं है मेरे पास, जुगाड़ बना के सो रहे हैं। मैं बोलूँगा आपको कल सुबह, मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। देख सकते हो पीछे डैम है और इस डैम का नाम है भामधाम लेक डैम। और ये जो गांव है, इस गांव का नाम है कलुस्ते और बहुत ही सुंदर गांव है। अगर आप देखोगे तो मेरे पीछे ये नज़ारा पूरे घाट्स है। और जो मेरे पीछे दिख रहे हो वो पूरे घाट्स, जो कलसुबाई घाट्स, मलचेस घाट्स, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। और इस तरफ आओगे तो इधर भी घाट्स है। चारों तरफ से गांव इतना सुंदर है ना, इतना प्यारा है कि चारों तरफ से घाट्स ही घाट्स है और बीच में डैम है और बीच में गांव। और यहीं पे हम लोग कैंपिंग कर रहे थे। भामधाम लेक की ट्रैक और मेरे साथ है कुछ दोस्त। ओए नाम बताओ रे, क्या नाम है? मितेश जेठालाल गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अबे भाई ये रिडली वाला ये लड्डू काका। नहीं नहीं सॉरी, ये बागा। जिसकी वैन में आए हैं वो है अभय का। अभय चंपकलाल बापूजी। वो कह रहे हैं ना मैं कि जेठालाल वो दुबे कह रहे हैं, दुबे चप्पल थोड़ी मांग रहे हो। अरे डांस करने बोला। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। आज आपको नए ट्रैक का, ये ट्रैक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है। अच्छा, तो मजा आएगा। बहुत छोटा ट्रैक भी है, फर्स्ट टाइम लोगों के लिए अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। चढ़ना कितना घंटा पर? मजा आ भी जा सकता है। हां भाई, ये हमारे होस्ट हैं। क्या नाम है? शुभम। शुभम आपका? रोहन। रोहन
और ये रहा हमारा नजारा। हम आ गए हैं वाटरफॉल की तरफ, जो कि इस गांव का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। तीन तीन जगह से गिरता है और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। यहां के जो व्यूज़ है एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। मैं नेचर का मज़ा ले लेता हूं, आप लीजिए व्यूज़ का मज़ा। हमारी छोटी सी ट्रैक जो कि उस वाटरफॉल तक जाती है, और हम इस रास्ते से चल रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है नेचर का यहाँ पे। अरे बाप रे, देखिए मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, उधर भी वाटरफॉल है और ये एक वाटरफॉल, और ये पूरा जो कि पानी रिजर्वायर की तरह यूज़ करते हैं लोग गांव वालों का, और ये सबसे बड़ा रिजर्वायर है यहाँ का भामधाम। और ये चलती है उस तरफ, और उस तरफ जा करके जो डैम बांधा हुआ था यहाँ पर थोड़ी सी खाई है, और मुझे जाना है वहाँ पे नीचे, उधर नीचे जा करके थोड़ा सा वीडियो बनाना है। और ये रास्ता देखिए पूरा नीचे, देखते हैं पहुँच पाते या नहीं पहुँच पाते, ट्राई तो करना है। ये मैं पहुँच गया। आप थोड़ा सा व्यूज का मजा लीजिए। Thank you.
अभी चल रहे हैं हम लोग कोई नई प्लेस पे, और नया प्लेस आपको कुछ देरी बाद, जैसे हम लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे अभी दीपक के घर पे, तो होने के बाद चलते हैं और एक नए स्पॉट पे आपको मिलते हैं। ये था आज रात का एक दिन का आशियाना, और मेरे साथ हैं दीपक, यहाँ के होस्ट। दीपक, हम लोगों ने छत पे क्यों किया यार टेंट? ओ, लेक में है ना, चावल लगाए ना, इसकी वजह से राइस लगाए पूरा। अच्छा, और ये दूसरा वो जो पानी आ रहा है ना? हाँ, पानी आ रहा है, ओवरफ्लो है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा पूरा 1500 रुपए का पैकेज है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भाम लेक पे आपको मिल जाएगा। भाम लेक कैंपिंग बोल के, और इगतपुर कैंपिंग। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। बोलो भारत माता की जय। ये थी हमारी होटल जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया है, और खाना ठीक ठाक था, और अभी चलते हैं पगोड़ा विपासना, जो इगतपुरी का सबसे बड़ा फेमस जो मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पर। चलिए, अभी हम लोग आ चुके हैं विपासना द पगोड़ा माइन मार्केट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ। तो एकदम भर साउंड आता है ना। हाँ। इसके लिए वीडियो कर रहे हैं आप? वीडियो शूटिंग। हाँ, वीडियो शूटिंग। ये रहा कुछ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो यहाँ का, फ्रॉम 9:30 AM टू 5:45 PM बुद्धा पार्क का। आज ये मैम तो बता रही है कि सब कुछ बंद है यहाँ पे, देख सकते हो। ये है अशोका पिल्लर, और जो ऊपर जो चक्र है वो है अशोका का धम्मा, जो कि कलिंग का वॉर जीतने के बाद जब बहुत सारा खून बहा था, लोगों की जब मृत्यु हुई थी अपने सोल्जर्स की, अपोनेंट सोल्जर्स की, तो तब अशोका ने शांतिपूर्ण बनाने के लिए भारत के कई सारे कोनों में ये पिल्लर अशोका का धम्मा स्थापित किया। इस तरफ भी पार्क है। ये रहा एंट्रेंस, वो था एंट्रेंस, उधर से हम लोग अंदर आए हैं, और ये अशोका पिल्लर, और ये रहा पूरा गार्डन घूमने के लिए। थोड़ा सा अंदर आने के बाद ये पूरा गार्डन के साथ में ही आपको ये छोटे छोटे कॉटेजेस मिलेंगे। इसी कॉटेजेस को वो लोगों ने क्वार्टर्स की तरह यूज़ किया है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आके मेडिटेशन जो करते हैं, पूरा कट ऑफ रखते हैं अपने आप को सोशल मीडिया, अपने वर्ल्ड से, अपने बिजी हेक्टिक वर्क से। तो ये लोग आके यहाँ पे 15 डेज का मेडिटेशन करते हैं। Thank you.
सो मच फॉर वॉचिंग।